नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डाल रहे हैं। और सबसे पहले खबर गोंडा से है। कल गोंडा में रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। सुबह 7:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। सर्किट हाउस मनकापुर के लिए रवाना होंगे और आईटीआई मनकापुर में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे मनकापुर जाएंगे लखनऊ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईटीआई मनकापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे मनकापुर से जाएंगे लखनऊ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल गोंडा रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का ये दौरा काफी ज्यादा खास रहने वाला है। सुबह 7:30 बजे लखनऊ से रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। स्वास्थ्य अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की जाएगी और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा मजबूत हो उसको देखते हुए लगातार डिप्टी सीएम बैठकें कर रहे हैं। तो बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे मनकापुर से जाएंगे लखनऊ। कल गोंडा में रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। सुबह 7:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और स्वास्थ्य अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। सर्किट हाउस मनकापुर के लिए रवाना होंगे। आईटीआई मनकापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। निलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोनलाइन पर बने हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। माफ कीजिएगा निलेश चौहान, क्या कुछ आगे शेड्यूल रहने वाला है और ये दौरा कितना ज्यादा खास माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक के बाद एक तमाम धमाकेदार जो निरीक्षण कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अब स्वास्थ्य महकमे में हलचल देखने को मिल रही है कि प्रत्येक जिले में देखा जा रहा है कि एक डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं डिप्टी सीएम एक आम आदमी बनकर उनके जिले में लाइन में ना खड़े हों। आज जब उनका गोंडा का दौरा रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ के अधिकारियों के साथ जब वो बैठक करेंगे तो साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और गोंडा के अंदर जिस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसकी भी जानकारी ब्रजेश पाठक इकट्ठा करेंगे। उसके साथ साथ अस्पतालों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। सुबह 7:30 बजे वो लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। पहला जो उनका कार्यक्रम होगा वो 9:30 बजे सर्किट हाउस में होगा, जहाँ पर वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम बनते ही वो लगातार एक के बाद एक तमाम जनपदों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जहां खामियां पाई जा रही हैं वहां पर वो दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम ब्रजेश पाठक की बात करें तो ब्रजेश पाठक का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गोंडा में जब वो रहेंगे तो जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं उनके साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे। तो एक के बाद एक कई कार्यक्रम गोंडा में उनके आज होने वाले हैं। सर्किट हाउस में उनका जो है कार्यक्रम होगा और मनकापुर भी वो जाएंगे। मनकापुर में भी वो लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी निलेश उस वक्त में जब कोविड की चौथी लहर की बातचीत हो रही है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश मजबूत दिखाई देता है और खुद ब्रिजेश पाठक जगह जगह जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के कंधों पर डाली है और डिप्टी सीएम बनाया है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य महकमे की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जब से ब्रजेश पाठक को ये जिम्मेदारी मिली है, तब से लगातार चाहे वो लखनऊ के बड़े अस्पताल हो या फिर सीतापुर का दौरा हो या फिर हम कह सकते हैं बाराबंकी का औचक निरीक्षण हो, आज वो जब गोंडा दौरे पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो चौथी लहर दस्तक दे रही है उसकी भी वो जानकारी लेंगे कि गोंडा जिले में किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं। क्योंकि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि तमाम अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई थी। ऐसे में पहले से ही स्वास्थ्य महकमा तैयार रहे और आम जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब वो गोंडा में रहेंगे और जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ हो या फिर जिलाधिकारी हो, उनसे भी जो है अस्पतालों का ब्यौरा मांगा जाएगा और अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन कितनी है, कितने बेड हैं, उसके साथ साथ दवाइयों की आपूर्ति कैसे हो रही है, मरीजों को समय पर इलाज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब गोंडा दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल का वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अगर औचक निरीक्षण करते हैं तो औचक निरीक्षण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। उसके साथ जनता के साथ वो संवाद स्थापित करेंगे, जनता से भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू हो रही है कि नहीं लागू हो रही, जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ साथ अस्पतालों में जो सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था है, क्या वो डॉक्टर मुहैया करा पा रहे हैं या डॉक्टर सिर्फ कागजों में ही ड्यूटी पर आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है आज देखा जाएगा, तमाम बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो जिला प्रशिक्षण शिविर है उसमें भी वो शिरकत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, उसके अलावा सर्किट हाउस में एक बैठक करेंगे। तो इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है, खास तौर पर तब जब उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे रही है, खास तौर पर छोटे बच्चों में इस बार ज्यादा सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो जिला अस्पताल है गोंडा का वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, महिला चिकित्सालय है वहां पर क्या व्यवस्था है, तमाम चीजों को लेकर जो है निरीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नीलेश सवाल इसी के साथ ये भी कि जब कोई बड़ा मंत्री आता है तो उससे कुछ ही दिन पहले यहाँ पर तैयारियाँ शुरू की जाती है, आप ग्राउंड पर रहते हैं, कितनी तैयारियाँ दिखती है पहले से ही, कितनी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हैं? देखिए अगर हम ब्रजेश पाठक की बात करें तो ब्रजेश पाठक अगर जिस अस्पताल में जाने की जानकारी उनको वहाँ की जनता को होती, अधिकारियों को होती है, उसके उल्टा काम करते हैं कि अगर उनको जाना होता है जिला अस्पताल तो वो पहुँच जाते हैं ग्रामीण सीएससी केंद्र पर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलेगा गोंडा में जब ब्रजेश पाठक वहाँ पर रहेंगे तो जब वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद अगर वो सीएससी पहुँचते हैं तो जो दावे जिला प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं क्या वो दावे वाकई में धरातल पर सही दिखाई देते हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने सीतापुर में निरीक्षण किया था, निरीक्षण करने जब वो पहुंचे थे तो 25 डॉक्टर वहां पर गैर मौजूद मिले थे, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ से बात की थी और फटकार भी लगाई थी। ऐसे में उनका दौरा रहेगा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, पूर्व विधायक के घर नोटिस चस्पा का मामला है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज बांदा जाएगा, मामले की जांच के लिए बांदा जाएगा प्रतिनिधिमंडल, अखिलेश यादव के निर्देश पर डेलीगेशन जाएगा। ब्रजेश प्रजापति के मकान पर नोटिस चस्पा है, नोटिस ब्रजेश प्रजापति के मकान पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा है। पूरा मामला क्या है अपने संवाददाता से जानते हैं। नीलेश बताएं क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही एक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, भूमाफिया हो, अगर उसने सरकारी या प्राइवेट जगहों पर अवैध कब्जा किया है या गलत तरीके से निर्माण कार्य किया है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके मकानों को ध्वस्त करने का काम किया जाए, उसी के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। अब देखना होगा कि जब आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बांदा जाकर पूर्व जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करेगा तो क्या कुछ निकल कर सामने आता। फिलहाल ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां कर रही है। खासतौर पर अगर हम राजधानी की बात कर लें तो राजधानी में तमाम ऐसे लोग देखे गए हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े रहे लेकिन
उनके ऊपर भी कार्रवाइयों का दौर चला है। अब ऐसे में पूर्व विधायक के ऊपर घर के ऊपर ये नोटिस चस्पा किया गया है कि उनके मकान को ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि पूर्व विधायक की तरफ से क्या कुछ दलीलें प्रस्तुत की जाती हैं, क्या कुछ कहा जाता है। उसके साथ साथ जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुलाकात करने जाएगा तो डेलीगेशन मुलाकात करने के बाद क्या कुछ आला अधिकारियों से अपील करता है या फिर ज्ञापन सौंपता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाएँ हैं। तमाम लोग ये भी कहते हुए देखे जा रहे हैं कि पूर्व विधायक के ऊपर नोटिस इसलिए चस्पा किया गया है क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से जुड़े रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक तरफा कार्रवाई करने से बचते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं जो वाकई में नियमों को दरकिनार करके निर्माण कार्य कर चुके होते हैं या फिर उन्होंने सरकारी जमीनों को कब्जा करके अपना बड़ा सा एक मकान बनाकर तैयार किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कब तक जो नोटिस चस्पा किया गया है उसका जवाब विधायक की तरफ से दिया जाता है या फिर उसको ध्वस्तीकरण करने का आदेश जो है वो धरातल पर लागू किया जाएगा। ठीक है, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा निलेश, जैसे कोई अपडेट आती है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली से अगली बड़ी खबर, राजधानी के स्कूल देखेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ स्कूल देखेंगे भगवंत, मोहल्ला क्लिनिकों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम भगवंत मान और दिल्ली और पंजाब के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी का भी अब एक मुख्य चेहरा बन चुके हैं, वो अब दिल्ली जाएंगे और इसी के साथ साथ वहां के स्कूलों को देखेंगे, राजधानी के स्कूल देखेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान और इसी के साथ साथ आज दिल्ली सीएम केजरीवाल के साथ स्कूल देखेंगे भगवंत मान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम भगवंत मान। तो लगातार अरविंद केजरीवाल हर मंच से ये दावा करते हैं कि राजधानी में स्कूलों की दशा दिशा बहुत बेहतर है और सभी राज्यों को चाहिए कि राजधानी में जिस प्रकार के स्कूल बने हुए हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं राजधानी के स्कूलों में दी जा रही हैं, उसी प्रकार की सुविधाएं तमाम छात्रों को मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। तो आज पंजाब के तमाम अधिकारी भी साथ में मौजूद रहेंगे, सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और दिल्ली के जो A1 स्कूल हैं, जो टॉप 10 स्कूल हैं, उनको देखेंगे भगवंत मान और इसी के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिकों का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहेंगे, राजधानी के स्कूल देखने वाले हैं पंजाब सीएम भगवंत मान और आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ स्कूल देखेंगे भगवंत मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू का दौरा किया और ये पहला मौका है जब आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी जम्मू पहुंचे। पीएम ने जम्मू वासियों को 20,000 करोड़ का तोहफा दिया है, देखिए रिपोर्ट। धारा 370 की विदाई, नए कश्मीर ने ली अंगड़ाई, घाटी के लिए दिन विशेष, पाक को सख्त संदेश, उर्फों की बरसात, जम्मू कश्मीर के लिए दिन खास। 370 हटने के बाद पहली दफा जम्मू में पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर के युवाओं से पीएम मोदी का वादा। पीएम मोदी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने घाटी से धारा 370 को खत्म कर विकास के नए आयाम को गढ़ा। धारा 370 हटने के बाद पहली दफा पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे और घाटी के नौजवानों के लिए तोहफों का पिटारा खोला। 20,000 करोड़ की सौगात देकर जम्मू वासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी ने जम्मू के सामा के पल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू वासियों को भरोसा दिलाया। पीएम ने कहा कि घाटी के नौजवानों, मेरे शब्दों पर भरोसा रखिए, हम दूरियां मिटाना चाहते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं,
साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा। मोदी के कार्यक्रम में हर हर मोदी, घर घर मोदी की गूंज सुनाई दी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आजादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 सालों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। ना ये भूभाग मेरे लिए नया है और ना मैं आपके लिए नया हूँ। मैं यहाँ की बारीकियों से अनेक सालों से परिचित रहा हूँ। ना ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है, कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुँचते पहुँचते 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देकर जम्मू वासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रण कर लिया है, जिसके तहत आज जम्मू वासियों को तोहफा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। जम्मू कश्मीर के लिए दिन और उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल दहल उठेगा। बीच सड़क रिश्ते का कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, रिश्तों का कत्ल, सही सुना आपने, यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पर हम आपको ये तस्वीरें साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बीच सड़क पर खौफनाक तस्वीरें किसी का भी दिल दहला सकती हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर चाकू से गोदकर एक जानवर की तरह इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मंजर इतना भयावह था कि तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। वारदात के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से कातिलों ने बीच सड़क पर युवक की गर्दन काट किसी जानवर की तरह उसे हलाल कर दिया गया। ये होता रहा दिन दहाड़े बीच सड़क पर और घटना स्थल पर आसपास के लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। लोगों के आने के बाद भी ये कातिल बड़ी ही बेरहमी से युवक को चाकू मारता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, जिससे बेखौफ दबंगों ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया। घायल को उठता देख हत्यारे ने उस पर दोबारा से हमला कर दिया और सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। थाना ब्रह्मपुरी के अंजुम पैलेस क्षेत्र में साजिद नाम के एक युवक को 3 लोगों ने मारपीट करी और सीसीटीवी फुटेज से भी ये चीजें सामने आई। उसमें देखा गया कि कुछ नोकीला धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाई है शरीर पर कई जगह, और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहाँ पर कोई इसका विरोध नहीं किया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। जब इनको अस्पताल लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साजिद नाम के व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, इनके ऊपर हमला करने वाले जो 3 लोग हैं वो इनके सगे चाचा बताए जा रहे हैं।
जो पहली जानकारी मिली है पता चला है कि एक ही घर में ये लोग सब निवास करते हैं एक साथ में। किसी बात को लेकर कल शाम को विवाद हुआ था इनका, आज सवेरे शहरी के समय बताते हैं आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ये एक जांच का विषय है कि क्या ये विवाद के बाद में जानकारी थाने पर आई थी अथवा नहीं, अथवा थाने ने इसमें क्या कार्रवाई करी थी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे को बीच सड़क पर चाकुओं से गोद डाला। घटना के दौरान सड़क पर राहगीर आ जा रहे थे लेकिन किसी ने हमलावर को पकड़ने और पीड़ित को बचाने की सहमत नहीं उठाई। हत्या के बाद हमलावर आराम से भाग निकला जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। मेरठ से अतुल शर्मा के। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, आज से शुरू हो रहा है रायसीना डायलॉग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 27 अप्रैल तक दिल्ली में होगा रायसीना डायलॉग और 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग आज से शुरू हो रहा है दिल्ली में, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 अप्रैल तक दिल्ली में रायसीना डायलॉग होगा, 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होने वाले हैं। रायसीना डायलॉग में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।